नाउ लेट्स वी सी इन अवर सिक्स्थ स्टैंडर्ड हमारा पार्ट टू स्टार्ट हो गया है. लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? देर आर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इमेजिनरी. आपको यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल इमेजिनरी दिखाई दे रही होगी. लाइन्स दिखाई दे रही है ऑन द अर्थ सर्फेस. विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन्स एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशंस कैन बी नोन. यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन क्या होता है वो हम ये चीज़ जान सकते हैं इसके अंदर. दीज लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ सर्फेस. ये लाइन हमारे अर्थ सर्फेस पे दिया नहीं गया है. दीज लाइन कैन बी ओनली सीन ऑन द मैप. हम ये लाइन जो होती है सिर्फ मैप में ही देख सकते हैं. अब आता है लैटिट्यूड. द हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड लैटिट्यूड. जो हॉरिजेंटल लाइन जो हमें बताई गई है, जो ड्रॉ की गई है अर्थ सर्फेस पे, उसे लैटिट्यूड कहते हैं. ओके, नाउ द लैटिट्यूड लाइन वो क्या होता है कि जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में बताया गया है, द ईस्ट वेस्ट सर्कल कनेक्टिंग द प्लेस इज फाउंड ऑन द अर्थ इन द नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन्स. ओके, अब आता है लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है. द वर्टिकल इमेजिनरी. हमारे लैटिट्यूड में क्या था? हॉरिजेंटल इमेजिनरी था. और लॉन्गिट्यूड में क्या आएगा? वर्टिकल इमेजिनरी आएगा. सो यू शुड हैव टू सी दिस पिक्चर्स एंड रीड दिस ऑल पैराग्राफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. या हियर इज ग्रीन विच मीन टाइम. ग्रीन विच क्या होता है? एक होता है मीन टाइम, GMT उसका शॉर्टकट है. इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है वो भी आपको इसके अंदर पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या बताया गया है. ओके, यहाँ पर आपको जैसे कि इस सर्कल में बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपर साइड बताया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इनर साइड बताया गया है, इक्वेटर है. ठीक है, सर्कल के बीच में किस से इक्वेटर बीचों बीच में रखा गया है. ठीक है, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ लैटिट्यूड बताया गया है. 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है. तो ये सब चीज़ बताई गई. 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एस साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल का जो यहाँ पे सिंबल बताया गया है 90 डिग्री वाला. ठीक है, और रेज ऑफ द सन लाइनिंग बताई गई है कि किस तरह से वो थ्रू पास थ्रू हो रहे हैं, वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है. ओके, नाउ द ट्रॉपिक्स. लेट्स वी सी हियर ट्रॉपिक. यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई गई है. टेम्परेचर जोन, इक्वेटर, फ्रिगेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, ये सब क्या होता है वो इसमें जोन में अंदर बताया गया है. जोन का यहाँ पर एक डायग्राम है. टॉरिड जोन एक्सेसिव हीट होता है. टेम्परेट जोन मॉडरेट हीट कोल्ड होता है. फ्रिगेट जोन इज अ पोलर जोन एक्सेसिव कोल्ड होता है. नाउ रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशंस क्या होता है, डे एंड नाइट किस तरह से होता है, वो हर चीज़ इसके अंदर बताया गया है. सीजन किस तरह से चेंज होते हैं, लीप ईयर कैसा चेंज होता है, लीप ईयर में क्या डिफरेंस है, वो हर चीज़ इसके अंदर बताया गया है. सो यू शुड हैव टू रीड फ्रॉम दिस चैप्टर.